ऑस्ट्रेलिया ने करा रोहित विराट को WTC से बाहर। हम बता दें आपको, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी WTC की टीम का ऐलान करा है, जिसमें अनऑफिशियल आपको प्लेइंग 11 दिखने वाली है। ये खिलाड़ी वो है जिन्होंने 2021 से लेकर 2023 में बढ़िया प्रदर्शन करा है। दो साल के प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों को जगह मिली है। अगर हम लिस्ट की बात कर लें तो सबसे पहले आपको दिखने वाले उस्मान ख्वाजा, दूसरे पर दिखेंगे आपको दिमुथ करुणारत्ने, तीसरे पर दिखेंगे आपको बाबर आजम इस टाइम देखो तो T20 और ODI फॉर्मेट दोनों में नंबर 1 पे चल रहे हैं। और T20 में बात कर ले तो वो नंबर 2 या नंबर 3 पर चल रहे हैं, तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां पर भी उनका डोमिनेंस है। चौथे पर आपको दिखेंगे जो रूट, फिर आपको ट्रेविस हेड दिखते हैं, रविंद्र जडेजा आपको इस लिस्ट में दिखने वाले हैं, ऋषभ पंत को भी रखा गया जबकि वो चोटिल है, विकेट कीपर के तौर पर रखा गया, उसके बाद आर अश्विन को भी रखा गया, पैट कमिंस आपके कप्तान है, कगिसो रबाडा और जेम्स एंडरसन को रखा गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रोहित और विराट जैसे दिग्गजों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। कहीं ना कहीं जो दो साल का परफॉर्मेंस रहा टेस्ट में, शायद रोहित और विराट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, इस वजह से उन्होंने इन दो दिग्गजों को लिस्ट में नहीं रखा हुआ है। लेकिन अभी जैसी ये लिस्ट बाहर होती है तो कहीं ना कहीं फैंस भी नाराज होंगे कि भाई इन दो दिग्गजों को क्यों नहीं रखा गया है। आप कमेंट करके बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाई है इन दोनों को लिस्ट में ना रखना। साथ साथ इस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।